ABCDEFGHIJ के बाद तो L J नहीं K होता है, J K। फिर ये क्या लिखा है मैंने? मैथ्स पढ़ाने वाली हो? नहीं, इंग्लिश वो भी नहीं। फिर यस। वैसे अब आप सब आ ही गए हो तो मेरी बकवास ना सुन के चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते दिए। सॉल्व करने वाला ये देखो क्वेश्चन मार्क है, तो इसको कैसे किया जाए? और अगर आपको मेरा सेशन ये अच्छा लगा, हम कैसे सॉल्व करने वाले, क्या ट्रिक में यूज़ करने वाले, क्या पैटर्न में यूज़ करने वाली हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो शुरू किया जाए। तो इसमें क्या करना है? एज यू कैन सी, जे के बाद तो जे के होता है, एल तो होता नहीं है। और कोई पैटर्न समझ आ रहा है? एम एन तो आ गया, एम एन आ गया। एम एन के बाद ओ होता है, एम एन ओ। वेल, मुझे तो कुछ पैटर्न दिख रहा है, आपको कुछ दिखा? नहीं दिखा। एम के कुछ बाद तो एन होता है, सबको पता, पर एन के बाद क्या होता है? ओ। एम के बाद एन, एन के बाद तो ओ होता है, एन के बाद ओ होता है, एन के बाद ओ के बाद क्या होता है? ओ पी। और देखिए, अगर हम वन, इफ यू लीव वन, तो अगेन वी आर गेटिंग पी, और पी के बाद क्यू। तो ये तो सीक्वेंस वन में आ गया। दैट मीन्स अगर ये सीक्वेंस ऐसा जा रहा है तो ये डेफिनेटली ऐसा होगा, एल एम एन ओ पी क्यू। चलो ये तो समझ में आ गया, बट वॉट अबाउट दिस, इसके साथ क्या होगा? ये तो यहाँ पर आ रहा है। और अगर ये सीक्वेंस अब ऐसा जा रहा है, अल्टरनेटिव जा रहा है, डेफिनेटली इसके साथ भी ये होगा। ठीक है, तो फिर ये होगा, तो वन अगेन छोड़ के वन, देन अगेन। तो वॉट यू कैन सी, जो ये एन है, एन के बाद पी, बट एन के बाद तो ओ होता है, दैट मीन्स एन ओ पी एक छोड़ के। ठीक है, अगर पी, पी के बाद क्या होता है? पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू आर, बट पी के बाद आर है, तो दैट मीन्स अगेन आपका यहाँ से क्यू नहीं है, क्यू नहीं है, और यहाँ पर एन ओ नहीं है, और आर एस टी, यहाँ पर एस नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा क्या होगा जो एन आ रहा है? एन के पहले क्या होता है? एम एन, तो यहाँ पर एम नहीं है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? जे। यहाँ कैन, यू कैन सी, एक एक करके स्किप कर रहा है ये, एक एक करके स्किप कर रहा है। दैट मीन्स अगर ये जे स्किप करता है तो जे एक छोड़ेगा, राइट? तो जे एक छोड़ेगा, दैट मीन्स जे विल लीव, जे के बाद क्या आता है? जे के। तो ये के को छोड़ रहा है, के को छोड़ रहा है। और यू कैन सी, अगर हम यहाँ प्लस वन करते हैं, अगर, अच्छा, इस दोनों को हम लोग छोड़ दें, लीव दिस वन, ठीक है, इसको छोड़ दें, तो यहाँ यू कैन सी इट्स एम एन। तो प्लस वन जब हम एन में कर रहे हैं, मतलब एन के बाद ओ आ रहा है, देन आपका पी आ रहा है। सेम वे यहाँ पर फिर से अगर प्लस वन किया जाए तो पी के बाद क्यू को छोड़ के आर, अगेन दिस इज योर प्लस वन, मतलब आर के बाद एस छोड़ के अगेन टी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? दैट इज अ क्वेश्चन, यहाँ पर होना क्या चाहिए? तो अगर हम सेम चीज़ यहाँ भी अगर प्लस वन कर दें, यहाँ भी अगर हम प्लस वन कर दें, दैट मीन्स जे के बाद जो आता है उसको हम छोड़ दें, जे के बाद क्या आता है? के, जे के, दैट मीन्स के को हम लोग यहाँ पर छोड़ रहे हैं। तो के जे के को छोड़ दिया, एंड आफ्टर दैट इट विल बी एल, जे के एल। दैट मीन्स द क्वेश्चन मार्क हेयर, दिस क्वेश्चन मार्क आंसर इज इक्वल टू योर एल। क्या होगा? एल कैसे? फिर से देखते हैं, जे के बाद इसका तो हमें पैटर्न समझ में आ गया, ये जस्ट एज यूजुअल जा रहा है, एल एम एन ओ पी क्यू, अल्टरनेटिव का यहाँ का पैटर्न समझ में आ गया। बट व्हाट अबाउट दिस, ये जे के बाद क्वेश्चन मार्क है, देन ये एम वाला पैटर्न बन रहा है, एन के बाद तो
ओ आना चाहिए, ओ नहीं आ रहा, पी आ रहा, दैट मीन्स उसने एक को छोड़ दिया, दैट मीन्स ओ को छोड़ दिया। तो अगर हम एन में प्लस वन करें, मतलब एन को एक छोड़ के नेक्स्ट टर्म लिखे, दैट मीन्स इट कम एज पी। तो अगेन सेम एक को छोड़ के लिखे, दैट क्यू को छोड़ के लिखे तो आर, सेम वे आर को छोड़ के लिखे तो आपका टी, तो एस छोड़ा। सेम वे यहाँ पर भी तो जे वैसे ही पैटर्न जा रहा, तो यहाँ पर हम क्या छोड़े जो यहाँ पर ये आएगा, तो के छोड़ रहे हैं। तो अगर के छोड़ा, दैट मीन्स व्हाट विल बी द आंसर, के बाद क्या आता है, एल, के बाद क्या आता है, एल, तो दैट मीन्स जे एल जो के छोड़ा है। तो आफ्टर दैट एल के बाद एल एम एन, एम तो नहीं है, एन आ रहा है, इसके बाद क्या पैटर्न है, एन, दैट मीन्स यहाँ पर माइनस, मतलब एम को फिर से छोड़ रहे हैं, दैट मीन्स एल में एक और प्लस कर रहे हैं। सो फॉर दिस पैटर्न सेम, अगर आप देख सकते हैं, यू कैन सी वी हैव यूज्ड अगेन द नंबर टू गेट आवर आंसर, क्लियर, दैट मीन्स हो गया। तो इसी तरह पैटर्न कुछ भी, जस्ट ट्रिक सोचिए कैसा पैटर्न बन रहा है, दैट यू हैव टू सी। तो बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ क्यूजेस। विल डिसाइड, मैं एक डिसाइड करूँगी, इन दैट डे आई विल गिव ओनली द, क्या बोलते हैं उसको, आप क्विज ले लीजिए या फिर ट्रिक, तो हम लोग शेयर कर रहे हैं और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो ब्रेन टीजर्स बोलते हैं वो यूज़ होगा आपके लिए, दैट इज़ गुड फॉर यू, राइट, थोड़ा सा यहाँ की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, तो हेयर यू गेट द आंसर। और अगर आपको ये मज़ा आया करने में, समझ में आया, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स। टिल देन साइनिंग ऑफ श्वेता।